ये देख सकते हो आप, भयंकर जाम लगा दिया है। और ये मोदी साहब जब चलते हैं खुद तो खाली रोडों पे चलते हैं और यहाँ पब्लिक तंग है। अब देखते कौन देखेगा, मोदी सरकार जब चलते तो अपना रूट लगवा के चलते हैं, क्या गूंगे बहरे पब्लिक के बीच चल के देखो, पता चलेगी कि पब्लिक कितनी परेशानियां झेलता है। यहाँ देखो पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, किस लिए हो रही है, मोदी सरकार का तो रूट लग जाता है, ट्रैफिक पुलिस आके हटवा देती है, अब कौन हटाएगा, ये पब्लिक है आम, क्या इनका दर्द नहीं है, इन लोगों के चलान 100 रुपए के 5-5 हजार के कर दिए, आखिर क्यों ये अन्याय क्यों सभी के साथ। कानून एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, कोई मंत्री नहीं कोई सांसद नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाइयों क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग भी अपनी राय दो, आप लोगों को ध्यान दो, जब आप रूट पे जाते हो वीआईपी रूट पे वीआईपी मूवमेंट पे आप लोगों को रोका जाता है तो क्या आप लोग परेशान नहीं होते। हाँ एक घंटा खड़े रहे आप, क्यों वीआईपी आदमी से बनता है, आज पब्लिक के लिए आपके लिए खड़े हैं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब हमारा साथ दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ आम पब्लिक साथ दे, ये पब्लिक के लिए किसी के लिए नहीं है, अंधा ये अंधा कानून सिर्फ पब्लिक के लिए थोपा जाता है। क्यों बैटरी वाली गाड़ियों में, मोदी जी से बोलो चलेंगे बैटरी वाली गाड़ी में, 5 लाख की गाड़ी 14 लाख में दिखवा रहे हैं, ये चोरी नहीं कालाबाजारी नहीं, एक पोल्यूशन दिल्ली में कहते हैं पोल्यूशन खत्म करो, पोल्यूशन किससे होता है, एक गाड़ी को बनाने में 10 साल का पोल्यूशन होता है, शायद आपको नहीं पता, हम जानते हैं इस चीज को। भैया नितिन गडकरी को भेजो जिसने ये काम खराब किया, नितिन गडकरी को भेजो, नितिन गडकरी को वीआईपी रूट लगता, पब्लिक तंग होती तब नहीं बोलते, पब्लिक तब नहीं बोलते, पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, एम्बुलेंस को लगवा के आए हम, ऐसा है पब्लिक भी तो होती है भाई साहब, पूरी दिल्ली जाम होगी पूरी दिल्ली, और होनी भी चाहिए, ये मोदी सरकार तो अपने तो गाड़ियों में बैठ के जाता है मंत्रियों के साथ पुलिस फोर्स के साथ ब्लैक कमांडो के साथ, ये पब्लिक की परेशानियां दिखनी चाहिए इस हरामजादे को, कमीना इस हरामजादे को पब्लिक की परेशानियां नहीं दिख रही हैं, क्यों आए ना फैसला बदले ना अपना, ये पूरे